गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना चाहूंगा एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एरिया, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। अगर स्क्वायर होएगा तो एरिया होएगा उस साइड इनटू साइड हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी हमारे पास फिगर हो तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो लेंथ होती है, इसलिए उसका यूनिट मीटर स्क्वायर करके आता है। परंतु अगर हम किसी एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं तो उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होएगा? एक तो उसकी लेंथ होएगा कि लेंथ के साथ उसकी एक डायरेक्शन भी एसोसिएट है। सपोज मेरे पास मेरे पास कोई फिगर है, इसका एरिया तो सीधा हम निकाल लेंगे, इसका कोई भी फार्मूला होगा। सपोज कर लो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे ये आ गया रेक्टेंगल, इसका एरिया हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। और अगर इसके साथ मैं एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दूं, ऐसे इसके नॉर्मली और इसके परपेंडिकुलरली, अगर मैं इसको एक तो साइड वाइज बनाना चाहूं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। मतलब कि इसी फिगर को थोड़ा मैं एक तरफ से टेढ़े करके देख रहा हूं तो वो ऐसी बनेगी, हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर उसकी ऐसे बनेगी। सो बाय कन्वेंशन, अब ये एरिया वेक्टर जो होएगा, एरिया वेक्टर को हम लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास डी एस एरिया है, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर लिखा जाएगा ऐसे, डी एस विद एन विद एन एरो ओवरहेड। और ये होएगी किसके बराबर? ds will be equal to magnitude of the area and then into unit vector। इसमें क्या है कि ये ds आ गया एरिया वेक्टर, ये ds आ गया मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये इसके नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस एरिया हमको डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर है। तो इसलिए ये आ गया ds, इसका एरिया, तो ये डायरेक्शन आ गई यूनिट वेक्टर की, और ये हमें बताएगा ds ऐसे करके। सो इसलिए अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? द एरिया वेक्टर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन वी एसोसिएट और व्हेन वी ऐड अ डायरेक्शन टू द एरिया ऑफ अ सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। और ये एरिया वेक्टर काम कहां आएगा? ये जब हम आगे जो गॉस थ्योरम करेंगे उसमें काम आएगा, उससे पहले अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये काम आने वाला है। सो एरिया वेक्टर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जो उसका एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ी थी, तो किसी भी एरिया के बीच में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, ये एक है सरफेस एरिया ये, और इसके बीच में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैं इसको मैंने रख दिया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कल किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल लाइंस। तो ये सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और इसके बीच में यहां में सरफेस एरिया एस रखा हुआ है। तो इस जो सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको लिखा जाता है फाई ई के साथ, और ये जो बराबर किसके होता है, ये होता है इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहां आपके एक बड़ी मैं चीज क्लियर कर दूं, सपोज इट इज द एस इज द सरफेस एरिया एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस एंड दैट and let's suppose a small area small element of the surface area like that, हमने suppose कर लिया ये एक छोटा सारा इसका area हम ले लेते हैं ds, ये पूरा तो ऐसे है तो ये छोटा सारा कितना हो गया ds हो गया, इसमें से ये electric lines of force cross होती हुई जा रही है and that और ये आ गया इसका एरिया वेक्टर जो ds था ऐसे करके, एंड लेट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द एरिया वेक्टर बी थीटा। सपोज कर लो थीटा एंगल था दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एंड If ds is a small surface area and E is the electric field intensity, then the small electric flux will be given by d phi E is equal to E dot ds. ये E यहाँ पर electric field है हमारे पास, ये dot product है, और ds ये क्या आ गया area vector. That was the reason कि आज मैंने आपको electric flux पढ़ाने से पहले एरिया वेक्टर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, थोड़ा सा उसका आपको डेफिनेशन बता दिया कि एरिया वेक्टर होता क्या, अदरवाइज यहां आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और ये डॉट प्रोडक्ट आपने अगर आपने 11th में स्केलर्स एंड वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एंड सो इफ यू आर हैविंग ई डॉट डीएस देन इट विल बी इक्वल टू ई इनटू डीएस into क्या होता है जी into cos of the angle between E and ds। अब E क्या है electric field lines की direction है, ds क्या है ये हमारा area vector है, इन दोनों के बीच का angle आ गया theta and therefore d phi E is equal to E ds cos theta। yes अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ds into e cos theta, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको d phi e is equal to ds into e cos theta। अब मैं डॉट नहीं डालता क्योंकि डॉट डालूंगा डॉट में यहां लगा भी दूं तो आप तो अगर आपको अब मैं डॉट लगाता हूं तो आप शायद आपको इसकी गलती नहीं लगनी चाहिए कि कहीं ये डॉट प्रोडक्ट है या खाली डॉट ही है, अगर आपको गलती लगने का चांस हो तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम ये लिखें तो इसके मुताबिक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, अरे इसी को देख करके लिख देना है कि डॉट प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है डीएस क्या सरफेस एरिया एंड ई कॉस थीटा क्या चीज है ई ये है और इसका कॉस एंगल हमने कल किया था इस क्वेश्चन में कि ई की डायरेक्शन ये है और ये थीटा एंगल है तो ई कॉस थीटा क्या होएगा ये होएगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है इट इज द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है इसका नॉर्मल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होगी, एंड सो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू दैट एरिया। ये इसके मुताबिक एक और डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर सी हो जाएगी। नाउ अब देख लीजिए कि हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी आ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर वन माने हैं तो इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सरफेस एस इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ओवर द सरफेस s we get इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सरफेस s तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई ऐसे करके ओवर द सरफेस s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds ऐसे करके। अब डी फाई ई तो हमारा था इस छोटे सारे के कारण जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे का आ गया तो इसको हम लिखेंगे फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया। अब इसके बाद आता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। SI unit of electric flux. SI unit of electric flux is equal to SI unit of electric flux is equal to electric flux का SI unit हम यहीं से निकाल लेंगे। E dot ds है। Electric field हमने किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो था यूनिट वो इज इक्वल टू एफ बटे क्यू जीरो था। देयरफॉर वो हमने निकाला था न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम तो ई का आ गया और डीएस हुआ तो ये एरिया है। एरिया में 2 मीटर होती हैं। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम एंड मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखेंगे एंड m raised to power 2 c raised to power minus 1। ये इसका SI unit आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। Now what about the dimensional formula? आप dimensional formula of electric flux। अब dimensional formula में भी आप देख लीजिए electric flux के जो electric हमारे पास electric field था उसके साथ यहाँ पर meter square ही आपको multiply होना है। तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया था तब हमने उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसके बराबर हो जाएगा? ये उसमें आया था एम एल टी ए एम वन। अब एल वन आया था उसमें दो यहां पर और जुड़े तो यहां आ गया एल रेज पावर 3 टी रेज पावर माइनस 3 उधर दूसरे के पास था इसमें भी ऐसा आया और ए रेज पावर 1 तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर माइनस 3 एंड a रेज टू पावर माइनस 1 एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। एक छोटी सी चीज है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो किस्म का होता है। दो तरीके का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर लीविंग द सरफेस, इस सरफेस को लीव करके आगे जा रही है, जा दे आर द पॉइंटिंग आउटवर्ड। अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इफ
and if the lines of force are entering the surface या or they are pointing inward तो ऐसे electric flux को negative electric flux कहेंगे. तो इसलिए ये थोड़ा सा idea आपको होना चाहिए कि electric flux है क्या, इसको निकालते कैसे हैं. तो अगर छोटा सा area है तो उसका electric flux कैसा होगा, integrate करके जो है तो phi is equal to it is equal to the surface or the closed surface integral of E dot ds, where E is the direction of the electric field intensity and ds is the area of vector. तो ये बच्चों इसका concept था थोड़ा सा electric flux का, जो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि अच्छे से आपको explain कर पाऊं, and I hope that you have understood it. And even then, if you are having any problem, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर कोई आपको फिर भी कंफ्यूजन आ गया, कमेंट बॉक्स में पक्का उसको लिखिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली बार जब हम कल अपना नया वीडियो चढ़ाएं तो आपको सबसे पहले वो मिले. कल हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Stay home, stay safe. Thank you.